वह लोग ना टीजर ना अनाउंसमेंट, सीधा डंकी का ड्रॉप 3 निकल चुका है, जो हम लोग सोनू निगम का वॉइस में एक छोटा सा ग्लिम्स टीजर में सुने थे, वही गाना निकले थे हम कभी घर से। भाई सोनू निगम डंकी ड्रॉप 3 से निकल चुका है, चलो गाना सुनते उसके बाद बाकी बात करते हैं। और तब तक के लिए अगर चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। लिरिक्स है भाई। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पर आए हैं। कट जाए पतंग जैसे और भटक में, सच पूछो तो ऐसे दिन हमने बिताए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पर आए हैं। यही नगर यही है बस्ती, आँखें थी जिसे तरसती, यहाँ खुशियाँ थी कितनी सस्ती, जानी पहचानी गलियाँ, लगती है पुरानी सखियाँ, कहाँ खो गई वो रंग रलियाँ। बाजार में चाय के ढाबे, बेकार के शोर शराबे, वो दोस्त वो उनकी बातें। ये गाना के अंदर बहुत सारा इमेज को पोर्ट्रेट किया गया है। कितना गहरा था गम इन सब को खाने का, ये कह नहीं पाए हम, दिल में ही छुपाए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पर आए हैं। निकले थे कभी हम घर से, दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। क्या हमसे हुआ क्या हो न सका, पर इतना तो करना है, जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है, जिस धरती पे जन्मे उस धरती पे मरना है। क्या बात है, क्या बात, सुपर आउटस्टैंडिंग। यार व्हाट ए लिरिक्स भाई जावेद अख्तर, मतलब दिल छू लिया, जिसे धरती पे जन्मे थे उसी धरती पे मरना है, एंड दिस लाइन इज स्टोलन माय हार्ट मैन। मतलब ये जो गाना है लिरिकल वीडियो में हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं, बट ये जब वीडियो के साथ आएगा, जब हम लोग इसको थिएटर में देखेंगे, तब ये एक अलग ही फील देने वाला है, जो गारंटी है तुम्हारा आंख में आंसू तो पक्का लाएगा। बाकी बहुत साल बाद SRK के साथ सोनू निगम का वॉइस, यार मतलब एक वो ओल्ड वाला वाइब देता है। बाकी बात करूं सोनू निगम जी का वॉइस को लेके, इतना
परफेक्टली, इतना सूदिंग जो वॉइस प्रोजेक्शन एंड रेंज है, जैसा लिरिक्स का एक सॉफ्टनेस के साथ सोनू निगम जी ब्यूटीफुल तरीके से इसको गाया है ना, मेरा तो यार दिल छू गया। एंड जावेद सर का ये मास्टरपीस लिरिक्स एंड प्रीतम सर का ऑब्वियसली इज द गॉडफादर ऑफ म्यूजिक यार, सुपर बोले तो सुपर, इंस्ट्रूमेंट्स बोलो बाकी जैसा तरीके से उन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया है यार, प्योर हार्ट मेल्टेड। एंड यार सबसे बड़ी टफ चीज होता है ऐसा एक सूथिंग गाना को पकड़ के रखना, 4 मिनट का गाना है, ईच एंड एवरी लिरिक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम एक पोर्शन सुनोगे और बोलोगे वाह क्या लिरिक्स है, जैसा मेरा रिएक्शन में भी था, और लिटरली वो मैं ऑब्जर्व किया बाद में जब गाना एंड हुआ। बाकी यही था मेरा रिएक्शन, तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये गाना कैसा लगा, और डंकी के लिए कितना एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कुछ देर पहले रिसेंटली एनिमल का मूवी रिव्यू किया हो जो तुमको इधर मिल जाएगा, ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। साथ में अगर चैनल पे ना हो तो यार सब्सक्राइब करो, 4000 के बहुत ही करीब है। और साथ ही साथ 2 दिन पहले तुम्हारा भाई एक ऑफिशियल यूट्यूब इवेंट अटेंड किया था जिसका ब्लॉग का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एनिमल का रिव्यू देख लो, उसके बाद वो ब्लॉग भी देख लेना, मजा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं तुम लोगों से अगला वीडियो पे।